अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कुछ आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ दुकानें बंद की गई हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, और जो है रेंट के हिसाब से एक बड़ी अपडेट आ रही है, न्यू निकल गया उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ और भी खबरें हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ जो है स्टोर वगैरह को बंद किया हुआ है, 7 स्टोर को बंद किया है, जिसमें के गवर्नमेंट के पास में 135 पे जो टोल फ्री नंबर है, आप इस पर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है या कोई स्टोर वगैरह में किसी तरह का कोई घपला वगैरह कर रहा है या रूल रेगुलेशन नहीं मान रहे हैं वहाँ पर सरकार के, तो आप इस पर जो है शिकायत कर सकते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शिकायत की थी कुछ स्टोरों की, तो जिसमें छानबीन की तो 7 स्टोर ऐसे आए जो कि वो कानून का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क वगैरह नहीं लगा रहे थे, दूरी बनाकर नहीं रख रहे थे, तो उसके दौरान 7 स्टोरों को बंद कर दिया गया है। तो ये सोचे आप लोगों को बताया जाए, आप भी अगर शिकायत करना चाहते हैं तो 135 का आप कर सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, मैंने जैसे आपको बताया था रूम रेंट के हिसाब से भी चले उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हावली में जो है एक बड़ा वो है ऑपरेशन चल रहा, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चेकअप चल रहे हैं, जो अजनबी भी लोग रहते हैं, एशियन लोग हावली इलाके में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे जो है टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और स्कैनिंग वगैरह हो रही है। तो उसमें एक बिल्डिंग के अंदर 11 लोगों को जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, और जो 11 के 11 इंडियन थे, तो उसमें पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया है, और वहाँ पे जो है जितनी भी बिल्डिंग में थे उस बिल्डिंग को पूरी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और सब लोगों को जो है चेकअप के लिए भेज दिया गया है। तो बड़ी अपडेट थी, सोचिएगा आप लोगों को बताई जाए। अगले अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कुछ दिनों पहले जो था 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था वीज़ा के व्यापार में, जो वहाँ पे बुलाने के बाद में लोगों को पासपोर्ट अपने पास में रखते थे और काम के लिए उनको छोड़ देते थे कि भैया आप अपना काम देखो, पासपोर्ट ले लिया और महीने का महीना उनसे जो थे वो पैसा लेते थे, जितना भी उनका दिनार बनता था वो उनके हिसाब से जो डील होती थी वो लेते थे। तो 14 लोग थे, 14 में जिसमें कि 3 कुवैती थे और 11 लोग जो थे अदर देशों के थे। तो अभी उन्होंने अर्जी दी थी छूटने के लिए, यानी कि तो अभी कुवैत सरकार ने उनको अर्जी डाल दिया है और जो है उनके टाइम को बढ़ा दिया गया है, अब पता नहीं वो लोग कब छूटें। तो ये बड़ी अपडेट थी, इसको आप लोगों को बताया जाए। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी लगभग कुछ दिन पहले जो था रूम रेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मसला चल रहा था, लेकिन अभी दोबारा से उसमें जो है रूम रेंट के हिसाब से सांसद खालिद अल सक्ती ने जो बताया है और संसद में कहा है, आर्टिकल 31, 35 और 1978 में बोला है उसके हिसाब से कि ये जो बिल है इसमें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, अगर आप ये जो बिल है इसी तरह से रहा तो आने वाले में किराएदार में और जो मकान मालिक है उनके अंदर बहुत ज़्यादा घपलेबाजी होगी और बहुत ज़्यादा केस देखने को मिलेंगे। तो उस बिल को दोबारा से रिन्यूअल करने के लिए जो है उसमें चेंजिंग करने के लिए जो है वो अर्जी डाली है और बोला है कुवैत गवर्नमेंट से। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोग बताया जाए, और रूम रेंट के हिसाब से भी। तो अभी अब कोई न्यू अपडेट या किसी भी तरह से कोई बिल वगैरह अगर चेंजिंग कुछ होती है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको हमेशा सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। तो आप मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।